सरस्वती वैद कांड में लगातार अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है मनोज साने। वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए पुलिस को भरमाने की लाख कोशिश कर रहा है, नए नए तर्क घड़ता है, नए नई बात सामने लाता है। पुलिस अपनी जांच में साबित कर चुकी है कि मनोज साने सेक्स एडिक्ट था, उसे नई नई महिलाओं के साथ संबंध बनाने की आदत थी और इसीलिए वो डेटिंग ऐप के थ्रू कई महिलाओं के साथ संपर्क में था। यही नहीं, उसके मोबाइल फ़ोन से कई अश्लील वीडियो मिले हैं, कई महिलाओं के संपर्क मिले जिनसे वो बात किया करता था। और यही नहीं, कई जो अश्लील वेबसाइट है यानी पोर्न साइट है उसको भी वो लगातार देखा करता था, विजिट किया करता था। और ये तमाम चीज़ें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि वो किस तरह से जो है अवैध संबंधों को लेकर एक्टिव था। लेकिन उसके बाद वो लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसने एक नया तर्क पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दिया है कि उसका कहना है कि मैं एड्स से पीड़ित तो हूँ ही, उसने मेडिसिन भी बताई, साथ ही उसने ये भी कहा कि वो नपुंसक है यानी वो स्त्री से संबंध ही नहीं बना सकता, वो रिलेशन ही नहीं बना सकता और इसी वजह से इस पूरे मामले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी आप समझिए, पहले तो उसने ये तर्क घड़ा कि वो एड्स पीड़ित है, उसने जिंदगी भर जब से शादी की है तब से लेकर अब तक सरस्वती की मौत तक कभी भी सरस्वती से कोई सेक्सुअल यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाया। अब उसने ये कहा कि वो संबंध बना ही नहीं सकता, कि वो नपुंसक है। अब आप सुनिए कि ये तर्क जो है अपने आप को सेव करने के लिए कितना स्ट्रोंग था, क्योंकि अगर कोर्ट में ये प्रूव कर दिया उसने कि ये नपुंसक है तो तमाम जो तथ्य जो पुलिस कह रही है कि उसके मोबाइल से ये चीज़ें रिकवर हुई है, उसके ने ये देखी है, तो वो अपने आप में एक बड़ा बचाव हो जाएगा और इसलिए वो नए नए तथ्य नए नए तर्क पुलिस के सामने ला रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है कि इसके मोबाइल में सारे डाटा है, इसे कैसे डिनाई कर सकता है। और इसी वजह से पोर्न वीडियो देखने की वजह से, नई नई महिलाओं से संबंध और संपर्क और बातचीत करने की वजह से, पुलिस का कहना है इसी वजह से अक्सर दोनों के बीच सरस्वती वैद्य और मनोज साने के बीच झगड़ा हुआ करता था। और क्योंकि 28 तारीख को इसकी नौकरी चली गई थी, वो लगातार कई दिन से घर पर था और लगातार जो पुलिस सोर्स कह रहे हैं जो लगता है उनको, देखिए डीसीपी जो संजय भजबल है वो साफ कहते हैं इस बात को कि मनोज साने कह रहा है कि सरस्वती वैद्य ने सुसाइड किया और उसने बॉडी के पार्ट्स को चोप करके अपने आप को बचाने की कोशिश की और बाद में खुद भी अपने आप को मारने वाला था, सुसाइड करने। लेकिन भजबल ये साहब कहते हैं कि ये हम लगभग कन्फर्म है, इन्वेस्टिगेशन जो करने वाले लोग हैं वो कन्फर्म है कि हत्या इसने ही की है। एक जो पेस्टिसाइड उसके घर में मिला उसका पता लगाया जा रहा है कि वो किसने खरीदा था, कहाँ से खरीदा था, क्योंकि ये अगर पता चल गया कि अगर इसने खरीदा तो साफ जाहिर बात है एक सबूत इनके पास आ जाएगा कि अगर ये पेस्टिसाइड खरीदता है तो साफ जाहिर है कि इसने जहर दिया था। लेकिन पुलिस ये कहती कि हम लगभग कन्फर्म है, लेकिन हमको ये साबित करना है, ये चेन जोड़नी है कि उसने कैसे इसको मारा, फिर चोप किया और फिर अपने आप को बचाने की कोशिश की। यानी पुलिस अधिकारी ये मान रहे हैं कि हत्या इसने ही की, लेकिन ये इतना सातिर है कि यह लगातार रोज़ नए नए तरीके नए नए तर्क अपने बचाव के लिए ला रहा है। जैसे पहले बताया था कि वो बेटी की तरह इसको ट्रीट करता था, कभी संबंध नहीं बनाया, उसको 10वीं पास करने के लिए मैथ पढ़ाता था, वो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन ये इतना सातिर था कि इसका जब से इन फ्लैट्स में आया था, इस फ्लैट्स में आने के बाद किसी से उसको संबंध ही नहीं बनाने दिया, किसी के साथ भी, पड़ोसियों के साथ, अपनी बहनों के साथ भी संबंध नहीं रखने दिया, और यहाँ तक कि मनोज साने ने खुद उसकी जो मनोज साने की बहन है उसको भी इसका संपर्क सूत्र नहीं दिया, उससे भी इसकी बातचीत नहीं होने दी। आप समझ सकते हैं कि वो लड़की जो 30-32 साल की युवा लड़की थी किस तरह से एक फ्लैट में रह रही होगी एक सक्की इंसान के साथ जो हर वक्त उस पर निगाह रखता था, किसी से बात नहीं करने देता था और जो कितना कुंठित था सेक्सुअली, किस तरह से उसकी कुंठाएँ रहती होंगी, तो उस तरह से वो किस मानसिकता से जी रही थी वो महिला और बाहर भी नहीं निकलने दे रहा था। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहूँ कि बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह के संबंधों को ढो रही है। इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह से श्रद्धा लगातार आफ्ताब को झेल रही थी, उसकी लगातार हिंसा बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या, उस लड़की को अपनी जान देनी पड़ी इतने विभत्स तरीके से कि पूरा देश हिल गया था। और उसी से सीख लेकर मनोज साने ने सरस्वती वैद्य को ठिकाने लगाया, सबसे पहले आरी लाया, जो मार्बल कटर लाया, चाकू लाया और फिर उस तरह से बॉडी पार्ट को चोप करने के बाद तला, ग्राइंड किया और जो है नाले में जो है
डिस्पोज कर दिया। दोस्तों इस पूरे मामले पर अगर आप देखें तो लड़कियों को उम्मीद लगती है, वो समझती है कि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चाहे श्रद्धा का मामला हो चाहे सरस्वती का मामला हो। और इसी सिर्फ इसी सोच की वजह से इन लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि लड़कियां भावुक होती हैं, उन्हें लगता है कि गुस्से में ऐसा कर रहा है, उनको ये नहीं पता कि ये मानसिक रूप से बीमार है। साइकोलॉजिस्ट इस बीमारी को ये कहते हैं कि इस तरह के लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए हर संबंध में रहते हैं, अगर उनको लगता है कि इस संबंध उसके अनुसार नहीं चल रहा तो उस संबंध को ख़त्म कर देते हैं, उस इंसान को भी ख़त्म कर देते हैं। और जब इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़े, यानी कोई इस तरह का इंसान हो जो लगातार हिंसा पर उतारू हो, अपनी तरह से ही सारी चीज़ें हैंडल करना चाहता हो और लगातार अवैध संबंधों में हो, अलग अलग महिलाओं से बात करता हो, रिलेशन रहा हो, इंटरेस्ट दिखाता हो, डेटिंग ऐप का जो एंगल है यहाँ पर भी था और आफ्ताब वाले एंगल में भी था, वो भी लगातार डेटिंग ऐप के थ्रू ही कई लड़कियों से संपर्क में था, संबंध में था, और यहाँ तक कि श्रद्धा को मारने के बाद ही, जब तक उसके हिस्से उसके फ्रिज में थे तब भी वो एक लड़की को लाया था अपने फ्लैट में, जिसके साथ वो ऐप के थ्रू संपर्क में आया था। और ये भी लगातार कई महिलाओं के साथ डेटिंग ऐप में संपर्क में थे, लगातार हर किसी से इसने संपर्क इसके तुड़वा दिए थे। तो ये लड़कियों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, आजकल के युग में जब लिव इन रिलेशन में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जब अपनी मर्जी की शादी बहुत सारी लड़कियाँ कर रही है, जब लड़कियाँ ये समझती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का है, उन्हें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमी होती है, खामी होती है और डार्क साइड्स भी होती है। तो उन्हें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि एक लापरवाही, एक अति आत्मविश्वास उनकी ज़िंदगी को कभी भी ख़त्म कर सकता है। तो अति आत्मविश्वास, आँख बंद करके विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अगर सरस्वती आंख बंद कर विश्वास ना करती, 3 साल तक वो लगातार बंद ना रहती फ्लैट में, अपनी बहनों के साथ संपर्क में रहती और बताती किस तरह के जुल्म वो कर रहा है और किस तरह के कुंठित रिलेशन का शिकार हुआ है, जिसको टॉक्सिक रिलेशन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये जो टॉक्सिक रिलेशन है वो अंतोगत्वा जो इस रिश्ते में रहता है उसके लिए टॉक्सिक का काम करता है, जहर का काम करता है, उसको मार देता है। क्योंकि ऐसे आदमी को किसी के पीड़ा का, किसी के दुख का, किसी के दर्द का कोई एहसास नहीं होता, उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। तो वो जो सोच है, उस तरह की जो पर्सनैलिटी है, उससे बचकर रहना चाहिए। और ये जो लोग हैं सिर्फ सेक्स को एंजॉय की वस्तु मानते, प्रेम जो शब्द है इनकी डिक्शनरी में नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए ही सारी चीज़ें यूज करते हैं, और लड़की भी उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक भोग की वस्तु होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर करना, ताकि भविष्य में कोई श्रद्धा, भविष्य में कोई सरस्वती ना आए और अपनी जान ना खोए। लेकिन ये बात जरूर है कि ये लड़का लगातार पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है, तथ्यों को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, नए नए तथ्य परोसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस, जैसे मैंने कहा, संजय जो DCP है वो लगातार ये कह रहे कि ये हमको पता है इसने मर्डर किया, हमको ये पता है कि ये हमको बहका रहा है, लगातार नए नए तरीके से जाँच को उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको ये प्रूव करना है कि इसने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को, इस मर्डर मिस्ट्री को किस तरह से, किस तरीके से किया, और वो सूत्र जोड़ना, वो तथ्य जोड़ना अब वो पुलिस का काम है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। नमस्कार, इतना ही, धन्यवाद।